जिस बात का डर था, हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की। जी हाँ, ICMR की एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ इशारा किया गया है। आज का बिन मांगा ज्ञान मिलेगा इसी चौंका देने वाली रिपोर्ट पर। अब पहले समझते हैं कि ICMR की इस रिपोर्ट में क्या खास लिखा गया है। दरअसल ICMR की इस रिपोर्ट में 5,911 सैंपल्स लिए गए। ये सैंपल्स थे SARI मरीजों के, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस वाले मरीज, ऐसे मरीज जिनका सांस से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी का इलाज चल रहा है। और इनमें से 104 केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और इन 104 केसेस में भी 40 केसेस ऐसे रहे जिनकी ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी और ना ही वो कभी किसी कोरोना संक्रमित इंसान के कांटेक्ट में आए। गौर से सुनिएगा, 40 लोग जो ना कभी बाहर किसी विदेश यात्रा में शामिल हुए और ना ही किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आए, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले। ये बेहद ही खौफनाक बात है, बेहद ही सतर्क होने वाली बात है। इन केसेस में ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जिनमें उम्र लोगों की 50 से ज़्यादा थी, और ये इंडिया में हॉटस्पॉट डिक्लेयर्ड एरिया से सामने आए हैं। दूसरी बात ये खास है कि ये केसेस भारत के 15 राज्यों के 36 डिस्ट्रिक्ट से लिए गए हैं। ICMR ने ठीक ऐसी ही रिपोर्ट फरवरी और मार्च के महीने में भी दी थी। उस वक्त उन्होंने करीब 965 पेशेंट्स का सैंपल लिया था, जिसमें से 0.2% ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उन्होंने टेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसे एक्सपेंड किया, और उसके बाद मैक्सिमम कोशिश की कि SARI के जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं उन्हें भी इस टेस्ट के प्रोसेस में इंक्लूड किया जा सके। खैर, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये रैंडम सैम्पलिंग लोगों की किस बेसिस पे होती है, जो सैंपल्स लेकर आ रहे हैं ये किस बेसिस पे होती है। तो दरअसल ICMR क्या करता है, वो पता लगाता है कि कौन कौन से हॉटस्पॉट एरिया में किन लोगों को SARI यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, वो इसके मरीज हैं, यानी कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से सांस लेने की दिक्कत है। उसके बाद उन लोगों का COVID-19 के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि इन 40 लोगों तक कोरोना का संक्रमण कैसे पहुंचा, और उम्मीद लगाई जा रही है कि मे बी किसी संक्रमित सामान को टच करने की वजह से इन तक ये बीमारी पहुंची हो सकती है। तो ये तो बात हो गई इस रिपोर्ट की, जिसे हम खतरे की घंटी मान सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है और आखिर इससे खतरा क्या है। दरअसल कोरोना वायरस के स्प्रेड होने के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे कि स्टेज 1, उसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस किसी और देश से किसी देश में ट्रैवलर के थ्रू आता है। स्टेज 2, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अब जब कोरोना वायरस का कोई एक पेशेंट बाहर से विदेश से देश में आ चुका है, तो लोकल लोग जो उसके आस पास हैं उन तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। इसमें ये निश्चित होता है कि एग्जैक्टली आपको सोर्स क्या है कोरोना वायरस का, वो पता होता है कि एक इन्फेक्टेड बंदा है, उसी की वजह से ये ट्रांसमिशन हो रहा है। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। इसमें क्या होता है कि लोकल लोग जो ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के टच में आए थे, उनसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन लोकल लोगों से होता हुआ अब कम्युनिटी तक पहुंचता है। जी हाँ, उन लोगों तक पहुंचता है जिनका ना तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है और ना ही कभी वो किसी कोरोना संक्रमित इंसान के कांटेक्ट में आए होते हैं। ये स्टेज सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर कोरोना वायरस का मेन सोर्स कहाँ से है, लोग संक्रमित कहाँ से हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे फैलता चला जाता है, और इसी को कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आधिकारिक तौर पर भारत सरकार फिलहाल तो यही मानती है कि देश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। हालांकि ICMR की इस रिपोर्ट के आते ही सरकार की तरफ से बयान भी आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको देश में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में पता चलता है और लगता है कि ऐसी स्थिति आने वाली है, वो तुरंत ही सबको इसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। बाकी ICMR ने कोरोना वायरस के लिए जो टेस्ट होते हैं उनकी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि अब देश में रैपिड टेस्टिंग को भी मंजूरी मिल गई है।
अब जाते जाते आपको अपडेट करती जाऊं कि 11 अप्रैल तक भारत में कोरोना पॉजिटिव के 7,447 केसेस सामने आ चुके हैं। तो इसलिए रखिए अपना ख्याल, रखिए साफ सफाई और देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।